मोदी सरनेम केस में राहुल को 2 साल की सजा, फिर मिली जमानत, क्या जाएगी संसद की सदस्यता। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली जाएगी। हालांकि राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी के सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सारे चोरों के नाम मोदी कैसे। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 13 अप्रैल 2019 लोकसभा के चुनाव के दरमियान कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई, आज उनका जो फैसला आया है मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। देखिए ये कोर्ट का न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी फैसला है उनका भी स्वागत करता हूं। जिस पर सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत मानहानि का दोषी करार दिया। राहुल गांधी जी तो आज कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड 499 और 500 के तहत दोषी पाया है, और राहुल गांधी जी को सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। कायदे में ऐसा प्रोविजन है कि जब आरोपी अपील में जाना चाहते हैं ये ऑर्डर थे अध्यक्ष में, तो नामदार कोर्ट को एप्लीकेशन टेंडर करता है, अपील पीरियड तक उनकी सजा सस्पेंड की जाए और उनको जमानत दी जाए। तो राहुल गांधी जी की तरफ से उन्होंने बेल पे रिलीज होने के लिए एप्लीकेशन टेंडर की थी और सजा सस्पेंड करने के लिए कोर्ट को विनंती की थी। कोर्ट ने 30 दिन, जो कायदे में प्रोविजन है 30 दिन का टाइम उनको दिया है अपील के लिए, तो फिर ये सजा के लिए उनको हाजिर रहना पड़ेगा कोर्ट में। वहीं कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया ताकि वो ऊपरी अदालत में उसके खिलाफ अर्जी दे सके, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था, मैंने जो बोला वो राजनेता के तौर पर बोला, मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं, मैंने किसी के खिलाफ जानबूझकर नहीं बोला, इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। गौरतलब है कि राहुल गांधी इस सजा के खिलाफ उच्च अदालत में जा सकते हैं। इस बीच राहुल गांधी ने सजा के बाद पहला ट्वीट किया जिसमें महात्मा गांधी को याद किया। राहुल ने ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। कांग्रेस के कई नेताओं ने सुबह ही सत्यमेव जयते का उद्घोष किया था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें तो ये पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है और हम यही चाहते हैं कि इसका हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे तो उन्होंने तो उसको उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है, आगे की रणनीति क्या होना चाहिए हम देखेंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी को सजा दिए जाने की निंदा की। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ये विपक्ष को चुप करने की साजिश है, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। उधर राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने को लेकर अब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उसमें सिर्फ नुकसान ही होता है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है, उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान होता है। वहीं इस मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं इस मसले पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है।
और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। बता दें कि कांग्रेस ने गुजरात के विधानसभा चुनाव में 182 में से 17 सीटें जीती, जो 1960 के बाद ये कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।